नमस्ते, मैं गुजरात के अहमदाबाद से करीबन 90 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक छोटा सा गांव, जिस गांव की पॉपुलेशन करीबन 6000 है, उस गांव में मेरा जीवन की शुरुआत हुई। मैं वहां पे 10वीं तक की मेरी पढ़ाई एजुकेशन वहां पे हुई। मैं हायर एजुकेशन के लिए इस गांव से नज़दीक एक मोड़ा सा टाउन है वहाँ पे शिफ्ट हुआ। जब छुट्टियों में मेरे परिवार के साथ, मेरी फैमिली के साथ इस गांव में जब आना होता था, तो इस गांव में जब मैंने देखा कि भाई इस गांव में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, और हर 2 महीने इस गांव से एक पुलिस केस होना वो कंपलसरी है। लोग इंटरनल क्लैश में जी रहे हैं, गांव की आम जिंदगी में उनके कुछ बदलाव नहीं आए। मैं एक बार अपनी कॉलेज ख़त्म करके, कॉलेज के सेकंड ईयर में, मेरे गांव की इस पंचायत में गया। मेरे प्रधान से मेरी बात हुई, प्रधान यानी कि सरपंच, ये तो गांव के एक राजा की तरह पूरे गांव को चलाते थे। मैंने उनको बोला कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमें करना चाहिए। तो बोला, तू छोटा बच्चा है, गांव चलाना तुम्हें आता नहीं है कि गांव किस तरह से चलता है, गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और आप बोलेंगे वैसे गाँव में नहीं होगा। ऑलमोस्ट गाँव के चुनाव और सरपंच के प्रधान के चुनाव कास्ट फैक्टर के ऊपर ज़्यादा जीते जाते हैं, जिसकी मेजोरिटी है वो सरपंच या प्रधान बन जाएगा। इस 6000 पॉपुलेशन में करीबन 4200 जितने वोटर्स हैं, सबसे कम वोट मेरी कास्ट के थे। मेरे पिता पत्रकारत्व व्यवसाय के साथ जुड़े थे, मैंने उनको बताया कि मुझे गाँव का सरपंच का चुनाव लड़ना है। मैं अपनी कॉलेज ख़त्म करके इस देश में सबसे कम उम्र में, मेरी 23 साल की उम्र में 2006 में इस गांव का चुनाव लड़ा और मैं सरपंच के दौर के ऊपर नियुक्त हुआ। विजन क्लियर था, मेरा विजन उस टाइम से था कि भाई आत्मा गांव की रहे और फैसिलिटी हमें शहर की देनी है। गांव के कल्चर से गांव को नहीं हटाना है और वो सारी फैसिलिटी अर्बन यानी कि मेट्रो सिटी की फैसिलिटी हम गाँव को किस तरह से दे पाए। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जो मैं बताया कि हर 2 महीने क्राइम गांव में होता है, लोग मेरी बात के साथ कन्विंस नहीं है। इन सिचुएशन के बीच मुझे काम करना था और जितने मेरे वार्ड मेंबर, काउंसलिंग मेंबर आए थे, वो सारे 50 के ऊपर थे और मैं अकेला 23 साल की उम्र में उनके साथ काम करना था। शुरुआत हुई 2006-7-8 तक, मेरा फोकस रहा कि हम इस गांव की बेसिक फैसिलिटी को कैसे बेस्ट बनाए। आज इस गांव में 100% 1500 हाउस होल्ड में 100% हाउस होल्ड ड्रेनेज से कनेक्ट है, 100% इंडिविजुअल टॉयलेट है, 100% वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 100% इलेक्ट्रिसिटी हुई। तो बेसिक फैसिलिटी मैंने 3 साल में कम्प्लीट की और एक थॉट साथ में ये था कि हम कोई एनजीओ का पैसा नहीं लेंगे, हम कोई सीएसआई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा नहीं लेंगे, हम कोई डोनेशन इकट्ठा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट और सेंट्रल की जितनी स्कीम्स बनी है वो गवर्नमेंट स्कीम से ही इस गांव को बेनिफिट दिलाएंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि पिछले 10 साल में इस गाँव को 16 करोड़ का फंड मिला है और वो 16 करोड़ स्टेट और सेंट्रल के हैं। हमें यूटिलाइज करना है ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टाइम तक लोगों को लगे कि सरकार मेरी पंचायत की ओर से हुआ है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि भी हमने ड्रेनेज लाइन बना दी, रास्ते बना दिए, स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी कर दी, टॉयलेट बना दिए, इससे पंचायत की जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। पंचायत के सरपंच, पंचायत के प्रधान वो गाँव का प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे जितना भी चीज़ें करना चाहे वो अपने गाँव में कर सकता है। दोस्तों, मैंने माना कि गवर्नमेंट स्कीम को मैं यूटिलाइज कैसे करूँगा, इंडिविजुअल लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। हमने पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने 2009 में इस गांव में शुरू की। गांव में 120 जगह के ऊपर मैंने स्पीकर्स शुरू किए,
उस सारा केबलिंग मेरी पंचायत ऑफिस तक से हुआ। मैं मानता था कि पीए सिस्टम से मैं लोगों तक डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊंगा, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आएंगी वो लोगों तक डायरेक्टली मैं पहुंचा पाऊंगा। सुबह 6 बजे गांधी बापू के विष्णु भजन तो भजन मेरे ऑफिस से शुरू हो गए, पूरे गांव का एक एटमोसफियर चेंज होगा। जितनी स्कीम्स आई वो मैं अपने ऑफिस से सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट करूंगा, लोगों तक मेरे मैसेज लोगों तक कन्वे हो गए। और इनका नतीजा ये हुआ कि इस गाँव में आज 100% लोगों के पास आधार कार्ड है, 100% लोगों के पास इलेक्शन कार्ड है, 100% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, 100% लोगों के पास राशन कार्ड है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लोगों तक पहुंची और लोग सरकार और पंचायत के साथ कनेक्ट होना शुरू किए। तो दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी जोड़ दिया मैंने, वहाँ पे भी एक मोबाइल सिम है, अगर मैं इमीजिएटली आउट ऑफ स्टेशन हूँ लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ तो थ्रू मेरे मोबाइल के ऊपर लोगों को मैं अपने मैसेज भी कन्वे कर सकूंगा। गांव में किसी के बर्थडे है तो मैं जब सुबह ग्राम पंचायत ऑफिस जाऊंगा तो एक वॉलेंटियर स्लीप आएगी, तो गांव में किसकी किन किन लोगों का बर्थडे है तो बर्थडे की शुभकामनाएं मेरी ऑफिस में अनाउंसमेंट होगी, किसी का डेथ हुआ है तो उसकी श्रद्धांजलि अनाउंसमेंट होगी, 15 अगस्त 26 जनवरी होगी तो राष्ट्रगीत पंचायत की ऑफिस से शुरू होगा, लोग अपने घर खड़े होकर राष्ट्रगीत के गान के साथ जुड़ेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी इन चीज़ों का हमने उपयोग किया है। दोस्तों आज इस गांव में 1-8 की 5 प्राइमरी स्कूल्स हमने शुरू की, 9-12 की हायर सेकेंडरी स्कूल्स, 8 आंगनबाड़ी, 2 बैंक, ATM, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ सेंटर, वेटरनरी, जितनी गवर्नमेंट ऑफिसेज होनी चाहिए वो आज इस गाँव में मौजूद है। दोस्तों पूरे गांव को 2009 से सीसीटीवी कैमरे से पूरे गांव को कवर किया है, उनकी मोबाइल ऐप बनी है ताकि पूरे विश्व में लोग कहीं भी अपने पंचायत की ऐप के थ्रू उनको लाइव देख सके। दोस्तों 2010 से मैं मानता था कि भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हम कैसे प्रोवाइड कर पाए, 2010 से फुल्ली गांव वाईफाई है, अगर किसी को भी इंटरनेट यूज़ करना है तो ओनली 80 रुपीज़ पर मंथ 3 Mbps स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट इस गांव में मिलेगा, 7 एक्सिस पॉइंट है और 3 मोबाइल टावर हमने पंचायत की ओर से शुरू किए। दोस्तों जितनी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, प्राइमरी स्कूल्स है, क्योंकि गांव में टीचर्स को टीचिंग नहीं करा रहे थे क्योंकि आते थे खेत में चले जाते थे, इसीलिए 350 बच्चे इस गाँव से बाहर प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे और मुझे रोकना था कि भाई हम गवर्नमेंट सिस्टम को इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करें। स्कूल्स के हर एक क्लासरूम में मॉनिटरिंग के लिए भी मैंने सीसीटीवी कैमरे शुरू किए, उनकी मोबाइल ऐप बनाई ताकि उनके पेरेंट्स जिनके पास स्मार्टफोन है वो भी ऐप के थ्रू लाइव देख सके कि मेरा बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, तो वो दिन में वो अपने बच्चे को भी लाइव वहाँ से देख सके। और आज इस गाँव में 100% बच्चे यही गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों मॉडल आंगनवाड़ी के ऊपर किया, स्मार्ट आंगनवाड़ी के ऊपर काम हुआ, स्मार्ट स्कूल्स के ऊपर काम हुआ। दोस्तों ये देश का पहला विलेज है जो अपने खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चलाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम गांव में ही इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम खुद की शुरू करें। पंचायत के पास 2 बस है, ऑलमोस्ट लोग इस गाँव के 98% लोग एग्रीकल्चर और मिल्क के ऊपर डिपेंड है, और जो भी बहनें दूध भराने के लिए यानी कि मिल्क बैंक तक जाती है उनको अपने घर से बस कलेक्ट करेगी, मिल्क बैंक तक ले जाएगी, सिर्फ 2 रुपये टिकट से उनको ये पंचायत की बस उनके घर तक भी ड्रॉप करेगी। इनका मूल रीज़न ये था कि यहाँ पे IMR और MMR रेट बहुत हाई था, हर साल में डिलीवरी के दौरान 4 या 5 बहनों का डेथ होता था या तो 4 या 5 बच्चों का डेथ होता था, पर एक बस इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि 20 लीटर की दूध की बैन है, मिल्क की बैग है, फिर भी वो पैदल लेके तक मिल्क बैंक तक जाती थी। और आज पिछले 5 साल से इस गांव का IMR MMR रेट 0 है। दोस्तों 100% बच्चे के साथ एनरोलमेंट हुए। दोस्तों हमने वेस्ट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैंने शुरू किया, एवरी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय पंचायत हर घर से वेस्ट कलेक्शन करती है, उनसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने काम किया। गांव पंचायत में गांव का खुद का पंचायत का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो यही वेस्ट से अपनी खुद की रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोडक्ट करते हैं।
अभी फिलहाल मैं स्ट्रीट लाइट के दौर के ऊपर ही बिजली को सप्लाई करता हूँ। मैंने अभी परसों ही एक एग्रीमेंट किया कि यही बिजली को मैं स्टेट गवर्नमेंट को बेचूंगा, ताकि वो पावर ग्रिड में जाएगा। 6 रुपये पर यूनिट के मुताबिक गवर्नमेंट मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देगी। एक रेवेन्यू भी पंचायत का, उसके साथ एक रेवेन्यू मॉडल भी हमने शुरू किया है। लेकिन दोस्तों, इस गांव को 2010 में स्टेट का मॉडल भी डिक्लेयर हुआ था। रिसेंटली 2014 में सांसद आदर्श गांव योजना के तहत इस गांव को देश के 6.5 लाख विलेज में से इस गांव को इस देश का मॉडल विलेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें मैं गांव में देखता हूँ, लेकिन गांव को मॉडल बनाना एक चीज़ अलग है और गांव को आदर्श बनाना एक चीज़ अलग है। मैं मानता हूँ कि गांव पहले आदर्श बनेगा तो गांव मॉडल बनेगा। अब फर्क इतना ही है कि जितना फर्क इंडिया और भारत में है। जब आप इंडिया बोलेंगे तो मातृत्व के भाव के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब आप भारत बोलेंगे तो मातृत्व का भाव उनके साथ आ जाएगा। जब लोगों में आदर्शता पैदा करनी, मैं मानता हूँ बहुत जरूरी। मैंने स्कूल्स बिल्डिंग बना दिए, मैंने क्लासरूम में मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगा दिए, मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगा दी, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये मेरे लिए है तो उसका उपयोग लोग नहीं करेंगे। और इसी चीज़ के लिए मैंने आदर्शता जोड़ी है कि भाई स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट पिछले 5 साल से हमने 0 किया है। 100% बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ एनरोलमेंट किया है, एक भी बच्चा आंगनवाड़ी में कुपोषित नहीं है। 100% इंस्ट्रक्टर डिलीवरी के ऊपर हमने काम किया, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के अपूसरी देश का मॉडल और आदर्श विलेज बना है। और अभी मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में हो सकती है। एक नज़रिया बन जाता है कि भाई गांव तो ऐसे ही रहेंगे, गांव में सब चीज़ें नहीं हो सकती। दोस्तों, गांव में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 2010 में जब इस गांव में वाईफाई शुरू हुआ, 3 लोग यूजर नेम और पासवर्ड पंचायत में लेने के लिए आए थे। आज एवरीडे 450 लोग इंटरनेट का उपयोग गांव में कर रहे हैं। अगर पानी नहीं आया तो पंचायत में कंप्लेन नहीं आती, लेकिन वाईफाई का सर्वर है तो लोग पंचायत में शिकायत करने के लिए आते हैं कि आप जल्दी शुरू करो, आपका नेटवर्क बंद है। तो लोगों को वो सिस्टम में अगर लाए तो गांव के लोग भी इस चीज़ के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, मैंने रिसेंटली अपनी 2 महीने पहले एक न्यूज़पेपर शुरू किया है, वही पॉजिटिविटी वाली बात की भी लोग कैसे अभी भी नेगेटिव सोच से बाहर निकले। कलाम साहब का जो विज़न था और उनके विज़न 2020 में, वो सोचते थे कि भाई गांव कैसे होने चाहिए। कुछ समय उनके साथ ये विज़न 2020 में गांव के रिलेटेड काम करने का मौका मिला था, और तब से मेरे दिल में था कि एक गांव का भी एक न्यूज़पेपर होना चाहिए और हर महीने ये न्यूज़पेपर लॉन्च हो। गाँव में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है उनके ऊपर से हमने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। कलाम साहब के नाम से मैंने इसका नाम कलाम संदेश न्यूज़पेपर शुरू किया है। प्राइमरी स्कूल्स के जितने बच्चे हैं, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के प्राइमरी स्कूल के बच्चे पूरे महीने गांव में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या कि किसने ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया, कौन बहन है जो मिल्क में अच्छा काम कर रही है, किन के यहाँ प्लांटेशन का अच्छा काम हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को बच्चे अपने नोट्स बुक्स के लास्ट पन्ने के ऊपर लिखेंगे। और उनमें मेरा ये था कि भी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर कुछ लिख के न दे, आप जो देखते हो गांव में, लेकिन अच्छी चीज़ें। क्योंकि पहली बार जब मैंने उनको बुलाया था तो वो न्यूज़ लेके आए कि भाई बाइक से उनका एक्सीडेंट गाँव में हुआ है, फलाना भाई के वहाँ झगड़ा हुआ है। तो मैंने बोला ये न्यूज़ नहीं, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है उससे बेटर है कि किसी की यहाँ नई कार आई है, नई बाइक है, तो इस चीज़ को हम न्यूज़ मानेंगे। पर यही सारी चीज़ें बच्चे पॉजिटिव न्यूज़ लेके पंचायत में आते हैं और उनके ऊपर से एक कलाम संदेश न्यूज़पेपर लॉन्च होता है। हर घर में एक कॉपी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ताकि लोग गाँव में भी बहुत अच्छा हो रहा है उस चीज़ को देख सके, समझ सके। तो इसके ऊपर से हमने कलाम संदेश न्यूज़पेपर भी शुरू किया है। आगे GIS हो, ई टॉयलेट हो, बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में भी इस गांव में होने वाली है। दोस्तों, पिछले 2 साल में इस गांव की 3 लाख लोगों ने इस गांव की विजिट की है। हर रोज़
सौ दो सौ तीन सौ लोग पूरे इंडिया से हो या आउट ऑफ इंडिया से हो इस गांव को देखने के लिए समझने के लिए आते हैं कि आज भी इस देश में इतनी सारी स्कीमें रूरल डेवलपमेंट की चल रही है जिससे गांव को मॉडल और आदर्श बनाया जा सके। और मेरा यही फोकस है इस गांव को हम कैसे इंडिया के नहीं लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट विलेज में हम किस प्रकार के इस गांव को लेके जाए। दोस्तों हर दो महीने पुलिस केस होने वाला ये गांव, पिछले छः साल से इस गांव का क्राइम रेट जीरो है, एक भी पुलिस केस, एक भी FRI आज इस गांव से नहीं हुई है। और यही चीज गांव को मॉडल और आदर्श की ओर ले जाती है। दोस्तों यकीन मानिए देश कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है। थैंक यू सो मच।